हमारे बीच एक्सक्लूसिव रूप में उपस्थित हो चुके हैं गुजमो अध्यक्ष विनय तमांग जी, और आज सुकना खेल मैदान में एक एकीकृत कर्मचारी संगठन की एक जनसभा हुई है। सर, इस जनसभा का कोई खास मकसद? ऐसा है कि एवरी ईयर यूनाइटेड एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जो जीटीए का एक एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, एक एनुअल मीटिंग होते हैं। आज इस बार एक सुकना में हो गया, लेकिन अभी तक राइट फ्रॉम द अर्थवाइल डीजीएससी जब यहाँ पे गठन हुआ था, उसी टाइम से वो लोग नौकरी में है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उनको जो सैलरी मिलते हैं जो गवर्नमेंट का सर्विस रूल के मुताबिक उनको जो सहूलियत मिलते हैं, जो फैसिलिटी मिलती है, हमारा जीटीए एम्प्लॉयज को वो नहीं मिलते हैं। तो इन लोगों का डिमांड है। अभी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से हमारा जो एक डिप्लोमेटिक रिलेशन है, अच्छा माहौल है हमारा रिलेशन, तो उनका ऊपर हमारा ऊपर में भरोसा है, उनका एक मनचाह हो गया कि ये डिमांड करें। इसका प्रमुख दो डिमांड है जो इनको परमानेंट किया जाए। अभी तक वो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट एम्प्लॉयज है और वो लोग चाहते हैं कि इसको परमानेंट होना चाहिए, और जितना भी वैकेंसी है वो उसको फुलफिल होना चाहिए, और जो प्रमोशन केस है, प्रमोशन करना है, डाइनिंग हार्नेस है, ये सभी चीज़ें उनके ये डिमांड है, वो डिमांड हम लोग कर रहे हैं। और टेक्निकली कई सारे एक इश्यूज़ है, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे वेरी सून। उसके बाद में हम लोग ये गवर्नमेंट के साथ में बैठ के हम लोग तय करेंगे। बट मैं आपका माध्यम से एश्योर करूँगा कि ये जो समस्या है, दो तीन समस्या जो एम्प्लॉयज़ का है, जीटी एम्प्लॉयज़ को, वो हम लोग इसी प्रोसेस हम लोग सरकार से बात करके हम लोग समाधान करेंगे। सर, एक जगह मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जीटीए के अधीन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ अभी भी शिक्षकों का अभाव है, तो इस पर सर एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है। ना, ऐसा है कि पहले से ही वहाँ पे जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, तो जब मैं चेयरमैन बन गया, चेयरमैन के 18 महीने के दौरान में जो सेकेंडरी में, अभी मैं बात कर रहा हूँ अभी सेकेंडरी का, सेकेंडरी में 1587 को मैंने अपॉइंटमेंट बंगाल सरकार ने दिया है, हमारा ने अप्रोच किया है। और उसके बाद में जब अनित थापा जी जीटीए चेयरमैन हो गया, रिसेंटली 59 टीचर्स को अपॉइंटमेंट मिल चुका है वहाँ पे। और उसके बाद में फिर अब प्राइमरी का भी हम लोग वेरिफिकेशन चल रहा है, सो वेरी सून वी फुलफिल द ऑल द वैकेंट पोस्ट आउट देयर इन द सिटी एरिया इन टर्म्स ऑफ दिस इन रेस्पेक्ट टू द स्कूल्स। और दूसरी बात सर, कि ये आगामी 22 जनवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक रैली है, उस रैली के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि ममता बनर्जी कब पहाड़ पहुंच रही हैं, कहां से कहां वो रैली जाएगी सर, और क्या क्या उनका प्रोग्राम रहेगा दार्जिलिंग जिले में? एज ऑफ नाउ हमारा जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला है और जो दिया गया है, उसके हिसाब से 20 तारीख को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल सुश्री ममता बनर्जी नॉर्थ बंगाल आ रहे हैं, और उत्तर बंगाल उत्सव का उनका ओपनिंग है, और 21 तारीख को दार्जिलिंग जा रहे हैं, और 22 तारीख हमारा 4 किलोमीटर का रैली है। रैली वो अगेंस्ट CAA, अगेंस्ट NRC, अगेंस्ट NPR है। सो ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, हिल तृणमूल कांग्रेस और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का जॉइंटली हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द 22nd रैली। ये रैली सर कहाँ से शुरू होगी और कहाँ जाकर समाप्त होगी? ऐसा है कि अभी का वेन्यू हम लोग ने जो तय किया है कि हमारा हिसाब से उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी यस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, लेकिन हम लोग ने जो प्रपोज किया है कि वो गोरखा रंगमंच भवन, जो भानुभवन बोलते हैं, जो गवर्नर हाउस के आगे से होते हुए हम लोग का ऊपर का गांधी रोड होते हुए काकजोड़ा से नीचे का रोड जाएंगे और उससे सीधा हम लोग मोटर स्टैंड की तरफ जाएंगे। सो दैट इंटायर जो रोड जो रूट है, जो 4 किलोमीटर 200 मीटर का है, जो 4 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा 200 किलोमीटर, यूजुअली ऑनरेबल CM का जो भी हम लोग ने देखा कि ये रेस्ट ऑफ द बंगाल में कि 4 किलोमीटर उनका रैली होते हैं, तो हम लोग ने उसी हिसाब से 4 किलोमीटर किया, लेकिन 200 मीटर थोड़ा ज़्यादा हो गया। सर, एक शिकायत आती है या एक आरोप लगाया जाता है आप लोगों पर कि आप लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इशारे पर पहाड़ में काम करते हैं, या फिर जो NRC रैली होने वाली है या फिर सिलौड़ी में जो रैली संपन्न हुई उसमें GTO को लोगों को ज़बरदस्ती आप उस रैली में ले गए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये सांसद राजू बिष्ट का बयान है सर। अब देखिए, ये NRC का इश्यू, CAA का इश्यू, NPR का इश्यू सिर्फ ममता बनर्जी जी का इश्यू और मेरा इश्यू नहीं है। ये ओवरऑल इंडिया में इनका प्रोटेस्ट होने हो रहा है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे एडवोकेट्स हो, चाहे इन जनरल पब्लिक भी कर रहे हैं। नाउ जो NRC से, जो CAA से, जो आने वाले दिन का जो भारत देख रहे हैं, उसको हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नागरिक हैं, यहाँ का इंडियन सिटीजन होने के बावजूद हम लोग को
एक विदेशी फॉरेनर्स होने जा रहे हैं और जो फॉरेनर्स है वो फिर सिटीजन होने जा रहे हैं। इस सारा का सारा टेक्निकल जो है, जो असम ने हम लोग असम में जो देखा गया वो उसी हिसाब से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट का बात है, ऑटोनोमस काउंसिल जो जीटीए है वो अंडर स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट सब्जेक्ट में तो सीएम जो बोलेगा वही करेगा, जो हम लोग जो बोलेगा सीएम वही करेगा, सीएम जो बोलेगा हम लोग वही करना पड़ेगा। एज फार एज द पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज कंसर्न, वो सोशल इश्यूज में अपना अपना स्टैंड होते हैं। लेकिन सर राजू बिस जो सांसद, उनका कहना है कि किसी गोरखा भाई को घबराने की जरूरत नहीं है इस एनआरसी और सीओ के लेकर, फिर भी सर विरोध क्यों? मैं उनसे आपका माध्यम से उनको मैं पूछना चाहता हूँ, तो गोरखा का अगर घबराने का बात नहीं है तो आसाम का 1 लाख गोरखा को वो क्या आंसर देते हैं? दे आर नॉट गोरखास। हाँ, 2000 अभी डिटेंशन कैंप में चला गया 1 लाख गोरखा, 19.5 लाख वहाँ पे दूसरा समुदाय का भी गया, वो 19.5 लाख में 1 लाख गोरखा है, तो आसाम का 1 लाख गोरखा क्या? राज मिश्र जी ने नहीं देखा वो गोरखा नहीं है, ये दूसरा कम्युनिटी का है। तो अगर आसाम में हो सकता है उनको फॉरेनर्स किया कर दिया, डिटेंशन कैंप में चला गया, तो हो सकता है कि दूसरा स्टेट में भी जहाँ पे गोरखा है इंडिया में उसको भी ये लागू हो सकता है। तो वो जो देखा गया रियलिटी में आसाम में उसी का विरोध है हम लोग। और दूसरी चीज़ है कि दिलीप घोष के बयान को लेकर के जिस तरह से उनका पुतला फूंका जा रहा है, लेकिन राजू बिस्ट कह रहे हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से प्रचारित करके उनके पुतले को फूंका जा रहा है, इस विषय में आपके क्या कहना है सर? राजू बिस्ट जी ने उनका जो NDTV का जो वीडियो क्लिप्स है अच्छा तरीका से देखना होगा। हम लोग भी वो वीडियो क्लिप देख के ही हम लोग ने कमेंट किया था। उन्होंने डॉग्स बोला, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जलाते हैं उनको डॉग्स कुत्ता जैसा मानना चाहिए, ऐसा ही बोला। हाँ, जो 2017 का भी जिक्र किया उन्होंने, 2017 में भी जो चीज़ गवर्नमेंट उसमें किया वो ठीक किया, क्योंकि दे आर डॉग्स ऐसा बोला है। वो तो मैंने नहीं बोला, वो सिर्फ दिलीप घोष ने NDTV में बोल दिया है, वही वीडियो क्लिप देखा है। अब वो वीडियो क्लिप देखना होगा राज बिस्ट जी को कि कहाँ उनका लीडर दिलीप घोष ने क्या कहा है। ये मानसिकता है BJP का गोरखाओं के ऊपर, राष्ट्रीय मानसिकता है कि गोरखा दे आर फॉरेनर्स, दे आर लाइक डॉग्स, ऐसा मानसिकता है, इसलिए हम लोग को गोरखालैंड नहीं दे रहा है। ठीक है, तो BJP को ये, क्योंकि दिलीप घोष एक नेशनल लीडर है, नेशनल लीडर होने के नाते एक नागरिक को, एक कम्युनिटी को इस तरह का बयान करना ये बहुत दुख का बात है। दिलीप घोष इज नॉट अबव द लॉ ऑफ द लैंड, ही इज नॉट अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से विनय तमंग जी को हम SK लाइव के एक्सक्लूसिव से जुड़ाएंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। Let's Nacho, বাংলার সবচেয়ে বড় ডান্স রিয়ালিটি শো, শুধুমাত্র কালার্স বাংলা টিভি চ্যানেলে। জাজেস এর মধ্যে থাকছেন রাহুল ঘোষ, ঋষি রয় চৌধুরী এবং শান্ডি রং। হবে লড়াই জেলায় জেলায়, কোনো এজ লিমিট নেই, ছোট থেকে বড় সবাই এই প্রতিযোগিতাতে অংশগ্রহণ করতে পারে। অডিশন শুরু হচ্ছে 19 জানুয়ারি 2020 রামকৃষ্ণ কমিউনিটি হল পানি ট্যাঙ্কি মোড় শিলিগুড়িতে। রেজিস্ট্রেশনের জন্য ডায়ল করুন 9609745555 এবং 7001031822। Sunshine High School, an English medium co-education school, affiliated to ICSE Board. Admission for session 2020 pre-nursery to class 9. Quality educational. Separate hostels for boys and girls. Confidence building. Leadership programs, games, indoor and outdoor. Co-curricular activities. Pollution free. For admission and prospectus, contact Sunshine School. 7797965318 9743155003। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। के तपाई एक नागरिक संवाददाता बन्न चाहनुहुन्छ?
हजुर, एसके लाइभ 24 घण्टा न्यूज च्यानलद्वारा यहाँहरू समक्ष एउटा सुनौलो मौका प्रदान गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा घटेका घटनाहरूको भिडियो आफ्नो मोबाइलद्वारा कैद गरी घटनाको पुख्त विवरणको साथमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूमध्ये कुनै एकजना उत्कृष्ट समाचार तथा भिडियोको चयन गरी हामी यहाँहरूलाई सिलगढी कार्यालयमा निम्ताई नागरिक सम्बद्धताको आइडी कार्ड सम्बर्धना अनि अन्तर्वार्ता लिने जमर्को गरेका छौँ। यसैले यस सुनौलो मौकालाई यहाँले नगुमाउनुहोस्। चाँडै नै यस्ता विविध समाचारहरू हामी समक्ष पठाउनुहोस्। एसके लाइभ व्हाट्सएप नम्बर 7432944774।